हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस मौसम में आपको किस तरीके का फेशियल अपने क्लाइंट को देना है। तो चलिए देखते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं समर्स और विंटर्स के अकॉर्डिंग फेशियल, यानी कि समर्स के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और विंटर्स यानी कि ठंड के मौसम में आपको किस तरीके का फेशियल अपने क्लाइंट को देना होता है, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो देखिए, गर्मियों में क्या होता है, हमारी स्किन में आपने देखा होगा कई चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सर्दियों में, आपने नोटिस किया होगा हमारी स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, यानी कि विंटर्स में। ओके, तो क्या होता है उसमें कि अगर हम सर्दियों और गर्मियों के अगर अनुसार फेशियल नहीं करेंगे, यानी कि विंटर और समर को फॉलो नहीं करते हैं, तो पिंपल्स होने का खतरा हो जाता है और साथ ही साथ स्किन रूखी हो सकती है, यानी कि ड्राई हो सकती है। चलिए अब हम जानेंगे कि किस मौसम में आपको क्लाइंट को किस तरीके का फेशियल देना है मौसम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्मियों की, यानी कि समर्स की, कि आप समर में अपने क्लाइंट को कौन कौन से फेशियल दे सकती है। ओके, सो गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट फेशियल रिकमेंड करें उन्हें, फ्रूट फेशियल का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है ना स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एक फ्रेशनेस देता है फ्रूट फेशियल। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ तक क्लाइंट को भी आप फ्रूट फेशियल की एडवाइस करें और अपने पार्लर में भी ज़रूर रखें। एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि गर्मियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा डी टेन फेशियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा समर्स में हमारा फेस काला पड़ जाता है, तो डी टेन फेशियल ऐसे में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एंड थर्ड है कि गर्मियों में स्किन पर आपने डलनेस हो जाती है। क्या होता है कि हमारी स्किन पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, डल हो जाती है स्किन, काली पड़ जाती है, तो डी टेन फेशियल क्या करता है, डी टेन फेशियल हमारी सारी डलनेस को रिमूव कर देता है। तो ऐसे में डलनेस वाले क्लाइंट को आप डी टेन की एडवाइस दे सकती है और ये फेशियल कर सकती है। ओके, देन थर्ड है, गर्मियों में आप क्लाइंट की स्किन पर आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकती है। आइस क्यूब स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप आइस क्यूब भी फेशियल के साथ ले सकती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा फेशियल आपको गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं देना है। जी हाँ, भूल कर भी ये फेशियल आप गर्मियों में मत देना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसे गर्मियों में आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, यानी कि लेना ही नहीं है। ओके, तो गर्मियों में आपको क्लाइंट को कभी भी गोल्ड फेशियल नहीं देना है। जी हाँ, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी तरीके का फेशियल दीजिए, लेकिन गर्मियों में, स्पेशली मैं समर्स के लिए कह रही हूँ, मैं ऑल सीजन के लिए नहीं कह रही हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे कि विंटर्स की सर्दियों में, यानी विंटर्स यानी कि सर्दियों में आपको कौन सी फेशियल किट क्लाइंट को देनी है। ठीक है, तो अब हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, समर्स की नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको सर्दियों में ऐसी फेशियल किट का इस्तेमाल करना है जिसमें ऑयल की मात्रा हो, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है, आपने नोटिस किया होगा, ड्राई हो जाती है, तो हमें ऐसी ही फेशियल किट इस्तेमाल में लेनी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम ऑयल मिक्स वाली फेशियल किट आपको रखना है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और भी है कि अगर आपके पास ऑयल मिक्स वाली फेशियल किट नहीं है तो क्या करें। ओके, तो विटामिन ई कैप्सूल, अगर आपके पास ऑयल मिक्स वाली फेशियल किट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि नॉर्मल फेशियल किट में विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर देंगे। ओके, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है कि यह भी अगर आपके पास नहीं है तो विटामिन ई के कैप्सूल की बजाय आप फेशियल में कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। 4-5 बूंदे आप फेशियल करते वक्त ऑयल की डाल सकती है और बहुत ही अच्छा रहेगा विंटर्स के लिए, तो आप ऑयल यूज़ कर सकती है। इसके लिए आप टी ट्री ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती है, या कोई और ऑयल आपके पास हो तो वह भी ले सकती है आप। स्किन के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छा होता है गाइस। हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऑयल का इस्तेमाल करने से उसका जो मेंटेन है बना रहता है, तो ऑयल काफ़ी अच्छा होता है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी फेशियल की थ्योरी समर विंटर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।